गुड मॉर्निंग, एक और टुगेदर वी लर्न सेशन का आपका स्वागत है। जैसे कि पहले वीडियोस में आपने देखा होगा, टुगेदर वी लर्न एक विटे का इंटरनल कम्युनिटी था जिसे हम सब ऑफिस के लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स सीख रहे थे, यानी फाइनेंस के बारे में या फिर इंडस्ट्री के बारे में या फिर ट्रेंडिंग एज इन बैंकिंग क्राइसिस या फिर कुछ भी जब नया हुआ इकोनॉमी में, हम उसके बारे में सीखने के लिए हर फ्राइडे सेशन करते थे। लेकिन अभी हमने इस प्लेटफॉर्म को टुगेदर वी लर्न बोल के सबको ओपन किया है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं और आपके फ्रेंड्स या फैमिली सब कुछ जान सकते हैं फाइनेंस के बारे में। और आज का टॉपिक बहुत बेशक इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है वैल्यूएशन रेशियोज। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हो, तो एक अच्छे स्टॉक को आप कैसे चुन सकते हो, वैल्यूएशन रेशियोज ये आपको सिखाएगी। और ये सिर्फ एक ही नहीं या हर अलग अलग तरीके के हैं। आज हम सीखेंगे दो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और पीईजी यानी पेग एज इन प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। अभी हम सेशन शुरू करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सुना ही होगा, हर दूसरे दिन न्यूज में देखा होगा कि मार्केट गिरी है या फिर बढ़ी है, और ये वैल्यूज एक शेयर का प्राइस बढ़ा है या फिर आप इसको बेच दो, आपको कोई फैमिली मेम्बर एडवाइस देता होगा। लेकिन ये स्टॉक मार्केट जिस तरह से चलती है वो बहुत अलग है और थोड़ी कभी कभी एक आपको मेरे को सबको कंफ्यूज भी कर सकती है। यानी इधर एक बायर है और एक सेलर है, यानी एक पर्सन जो खरीदता है स्टॉक्स को और दूसरा जो स्टॉक्स बेच के उसके ऊपर का प्रॉफिट जो है उसको से पैसा कमाता है। दोनों की डिसीजंस बेशक ही समझदार है। हम ये नहीं कर सकते कि एक ने अच्छा स्टेप लिया है या फिर एक बुरा स्टॉक चुना है, लेकिन जिस तरीके से हम ये स्टॉक्स चुनते हैं और जिस तरीके से हमें ये बेनिफिट करती है या फिर नहीं करती है वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। और हम यही बोल रहे हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर होने के लिए आपको बुक्स पढ़ने की या फिर बहुत ज़्यादा इन डिटेल आपको रिसर्च करना चाहिए। लेकिन इन डिटेल इंफॉर्मेशन या फिर ये एक रॉकेट साइंस नहीं है जो सिर्फ कुछ लोग कर सकते हैं। आप अगर सीखने की आपको एक इच्छा है तो आप भी कर सकते हो। और ये इन छोटे छोटे टिप्स जैसे कि वैल्यूएशन रेशियोज और मार्केट एनालिसिस के टिप्स से आप अच्छे चॉइसेस कर सकते हो। अभी हम ये सीखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स स्टॉक मार्केट में आप अच्छे स्टॉक्स चुनने के लिए आपको ये जो रेशियो की मैं जब बात कर रही हूँ ये क्या है। ये रेशियो के बारे में मैं पहले जिससे पहले वो एक्सप्लेन करूँ, हम ये बोलना कॉमन सी बात है कि लॉजिक हमारे ज़िंदगी के हर मोड पे काम आता है। यानी अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है कि मैं कौन सा फ़ोन खरीदूँ, वो वाला वो ब्रांड या फिर सैमसंग या एप्पल या कौन सा, आप फीचर्स देखेंगे, उसका प्राइस देखेंगे, आपका बजट देखेंगे, बेसिकली लॉजिक से आप जो है डिसीजन लेंगे। स्टॉक मार्केट की डिसीजंस भी ऐसे ही होती है। अगर आपको एक स्टॉक कम प्राइस में मिल रहा है और आप देखेंगे कि ये बढ़ सकता है तो ज़रूर आप खरीदेंगे। अगर ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया या फिर उसका दाम बढ़ गया है, यानी अगर आपने एक स्टॉक को 100 रुपीज़ पे खरीदा है लेकिन अभी उसका वैल्यू 150 है, लेकिन आपको लगता है कि ये मैक्सिमम है, तो आपका बेस्ट डिसीजन यही रहेगा कि मैं अभी बेच दूंगा और 50 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाऊंगी। सो यही है, ये बेसिक लॉजिक पे चलता है स्टॉक मार्केट और आपका डिसीजन भी। लेकिन इधर अगर आपको ये जो मैंने शब्द यूज़ किया था चीप, यानी कम दाम पे अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हो तो उसका दाम कम ये नहीं है क्योंकि वो कंपनी छोटा है या फिर ग्रोथ कम है, उसका ये मतलब है कि वो अंडर वैल्यूड है। अगर एक स्टॉक का बहुत ज़्यादा दाम दिख रहा है तो उसका मतलब है कि एक स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड है, ठीक है। सो ये दो टर्म आप सुन रहे होंगे लेकिन उसकी एक बड़ी डेफिनेशन नहीं है। यही है कि उसका मार्केट प्राइस से अगर
एक एग्जांपल लेंगे कोका कोला या पेप्सी या फिर ऑल ये सारे बेवरेजेस के उस इंडस्ट्री में अगर आप एक पेप्सी का शेयर कोक से कंपेयर करोगे और इसका कम है, यानी ये उस मार्केट में अंडरवैल्यूड है और कोक ज़्यादा है. सो इस एग्जांपल से आप देख सकते हो कि एक प्राइस, एक शेयर या फिर एक स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है कम है, यानी अंडरवैल्यूड या ओवरवैल्यूड है. और अभी हम इस टॉपिक का मेन सब्जेक्ट ही यही है कि इस अंडरवैल्यूड स्टॉक को आप कैसे पहचाने, क्योंकि आप पैसे कब बनाओगे स्टॉक मार्केट में? आप इन्वेस्ट यही कर रहे हो कि आपके पैसे बढ़े, आप फाइनेंशियली ग्रो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे. सो अभी इससे एक आपका ये फर्स्ट स्टेप है स्टॉक खरीदना. और ये स्टॉक कैसे चुना? अंडरवैल्यूड स्टॉक चुनने के लिए. लेकिन आप ये अंडरवैल्यूड स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करोगे इतने बड़े मार्केट में जब इतने सारे स्टॉक्स हैं? सो ये वैल्यूएशन रेशियोज जो है हमें बहुत मदद करेगी. पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स और ये सारे. लेकिन आज हम सीखेंगे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में पहले. सो अब ये प्राइस क्या है? ये बहुत सिंपल है. प्राइस का नाम दाम है. अभी इंग्लिश में या फिर ये मार्केट टर्म्स में बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स जैसे कॉस्ट, प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. लेकिन लॉजिकली अगर आप देखो तो आप समझ सकते हो क्लियरली कि ये प्राइस यानी मार्केट प्राइस. इस सिनेरियो में हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, यानी अभी करंट सिचुएशन में एक स्टॉक अकॉर्डिंग टू द मार्केट उसका दाम और या फिर उसका वैल्यू कितना है, मूल्य. सो पी रेशियो इन दोनों से डिपेंड करता है. एक उसका करंट वैल्यू यानी मार्केट प्राइस और दूसरा अर्निंग्स पर शेयर. सो अगर अभी पी रेशियो अगर मैं ये पहले पढूं तो टेल्स अ स्टॉक एट इट्स करंट मार्केट प्राइस इज एक्सपेंसिव और नॉट. एंड पी ई रेशियो इज मेजर्ड बाई मार्केट प्राइस बाई अर्निंग्स पर शेयर. यानी इसको पी ई रेशियो कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है, एक स्टॉक का मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर. अभी ये अर्निंग्स पर शेयर क्या है? अगर आपने एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, और आप उनके पूरे उसके फाइनेंशियल ईयर में या फिर उस क्वार्टर में उन्होंने पूरा अकाउंट्स, बैलेंस शीट के बाद पीएनएल वो सारे कैलकुलेट करके, सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करके, उसके बाद उनको जो नेट प्रॉफिट आया, पूरा नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को उन्होंने पूरा नंबर ऑफ शेयर्स जो वो इश्यू करते हैं उससे डिवाइड किया, तो ये अर्निंग्स पर शेयर हुआ. यानी हर एक शेयर पे ओवरऑल कंपनी का अकाउंट्स कैलकुलेट करने के बाद रिलेटेड टू शेयर्स आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ओवरऑल हर एक शेयर पे कितना प्रॉफिट मिला कंपनी को पर शेयर, यानी एक एक शेयर पर. सो ये शेयर प्राइस जब मार्केट प्राइस से डिवाइड होता है तो हमें ये पी ई रेशियो देता है. सो एक सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल, अगर एक शेयर का मार्केट प्राइस 100 है और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 20 है तो पी रेशियो 100/20 यानी 5 होगा. सो ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर एक लास्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और ये लास्ट आइटम हमारे स्टॉक की फर्स्ट स्टेप को हेल्प करेगा. आप देख भी सकते हो जो हमने डिस्कस किया था ईपीएस, एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक अकाउंट सैंपल है, और उसके लास्ट में जो ब्लू एरो दिख रहा है अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, वो वैल्यू है 5. ठीक है, सो वो अल्टीमेट लास्ट वैल्यू है. अभी एक शेयर होल्डर को ईपीएस क्यों जानना है? अ शेयर होल्डर यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द सेम सरप्लस. सो अगर ईपीएस इज नथिंग, जैसे मैंने पहले ही स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया है, इधर यही एग्जांपल दिया है कि अर्निंग्स पर रेशियो आपको करंट मार्केट ने कितना डिस्काउंट किया है वो सिखाता है या फिर वो बोलता है. और पी रेशियो का, इस नंबर का मीनिंग क्या है, इसका लाइक
अभी आपने डिवाइड कर दिया, कैलकुलेट कर दिया और अपने नंबर आ गया कि PE ऑफ फॉर एग्जांपल कोक कोला या फिर सोनी जो भी है, अगर एक कंपनी का एक्स वाई जेड कंपनी का PE रेशियो 5 है तो इसका मतलब क्या है, आप क्या सीख रहे हो इससे। सो यही मतलब है कि इसका अगर इस कंपनी का PE रेशियो अगले 5 या 10 साल तक सिर्फ 5 रहा तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो मनी आपको, वो पैसा आपको 5 साल में वापस आ जाएगा। यानी अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट, एक नॉट से 5000 रुपीज वर्थ शेयर्स खरीदे हैं तो आपको 5 साल में वो 5000 वापस आ जाएंगे। सो यही पी, लेकिन ये अंडर द कंडीशन है कि इसका ये एक कंडीशन अंडरलाइन स्टेटमेंट है कि अगर ये रेशियो कॉन्स्टेंट है तो तब ये अप्लाई होता है और आपको आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अगला ये सवाल पैदा होता है कि आपको आपके पैसे कितने साल में वापस चाहिए। हर स्टॉक इन्वेस्टर को या फिर किसी को भी जल्द से जल्द चाहिए। अगर मैं आपको 3 ऑप्शंस दूँ, 5 साल 3 साल या फिर 10 साल, आप यही बोलेंगे कि मुझे 3 साल में चाहिए जो मैंने पैसा डाला है, ठीक है। सो यानी ये बोलता है कि जितना पी रेशियो कम है उतना बेहतर है। जैसे आप हमने देखा था इस स्लाइड में कि अगर मार्केट प्राइस 100 है, EPS 20 है और पी रेशियो फिर 5 होगा, यानी आपको 5 साल में वापस मिलेगा। उसी हिसाब से अगर पी रेशियो 20 नहीं कुछ और होता, 50, अगर EPS 50 होता यानी पी रेशियो फिर 2 होता, सो यानी 2 साल में आपको वापस आएगा। सो यही है कि अगर 5 साल से बेहतर 2 है, सो जितना पी रेशियो कम होगा उतना आपके लिए बेहतर है। सो आप वैसे कंपेयर कर सकते हो जब आपके स्टॉक्स देख रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप इस हिसाब से आप मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर देखेंगे। और ये सब आपको ऑनलाइन विजिबल है क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। जैसे हमने ये बैलेंस शीट में दिखाया था, अर्निंग्स पर शेयर एक शेयर के एक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट का पूरा एंड में दिखाया है, यानी इधर 5, ठीक है। सो आप इस हिसाब से अपने आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पी रेशियो क्या है और मैं किस में जल्द से जल्द मेरे को पैसे वापस आएंगे जितने मैंने लगाया है। इफ लो PE इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, सो अभी हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आप सबको। अगर लो PE एक अच्छा डिसीजन है आपके हिसाब से, तो इन दोनों कंपनीज में, एक कोलगेट पाम ऑलिव और एक जिंदल स्टील एंड पावर में, आप किसको आप किसको चुनोगे? एक जिसका पी रेशियो 40 है कोलगेट, और दो जिंदल जिसका पी रेशियो 19 है। सो आप क्या चुनोगे? आप 2-3 सेकंड के लिए बस सोचिए और एक आंसर थाम लीजिए आपके दिमाग में। आपने सोच लिया होगा कि पी रेशियो के हिसाब से आप कौन सा कंपनी चुनोगे इन्वेस्ट करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेजॉरिटी लोगों ने आपने जिंदल स्टील एंड पावर चुना होगा क्योंकि आपको 19 सालों में आपका पैसा वापस आ रहा है कंपेयर टू कोलगेट जिसका 40 है पी रेशियो। लेकिन आपको ये देखना है कि कोलगेट का पी रेशियो 40 है लेकिन उसके सेक्टर का FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर का 58 है। सो कंपैरेटिवली ये लो है, बट जिंदल स्टील एंड पावर का पी रेशियो 19 है पर स्टील इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो 14 है। सो अभी हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली कोलगेट अच्छा चॉइस होगा या फिर समझदार चॉइस होगा और जिंदल नहीं। आप ये देख सकते हो क्योंकि हम सिर्फ पी रेशियो देख के कुछ डिसीजन बेस नहीं कर सकते हैं। हाँ ज़रूर ये अब हमको दिखाता है कि अप्रॉक्सीमेटली ये कैसे हमें हेल्प करता है या फिर स्टॉक का वैल्यू क्या है, लेकिन आपको सिर्फ पी रेशियो नहीं बट रिलेटिवली यानी आसपास उस कोलगेट के आसपास उसके इंडस्ट्री में अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का ओवरऑल पी क्या है आपको कंपेयर करना है, यानी गिन चुन के देखना है और जाग परख के सोचना है कि ये आपको सच असल में बेनिफिट होगा कि नहीं।
सो उसके लिए आपको जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का इंडस्ट्री का ओवरऑल पीई रेशियो भी देखना है और फिर कंपेयर करके सोच समझ के आपको चुनना पड़ेगा. तो जो मैंने बोला जी जिंदल स्टील को एक लो पीई है कंपेयर टू कोलगेट और जिंदल स्टील का पीई हाई है कंपेयर टू इट्स इंडस्ट्री, यानी उसके स्टील इंडस्ट्री से काम ज़्यादा है. सो लॉजिकली कोलगेट पाम ऑलिव का पीई लोअर है उसके कम है उसके कॉम्पिटिटर्स से और ये दिखता है कि ये अट्रैक्टिव है, यानी ये एक अच्छा चॉइस है क्योंकि ये बढ़ेगा ज़रूर क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ रही है. ये एक छोटा सा ग्राफ बार ग्राफ है जो आपको दिखाएगा कि FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये यानी अगर आप और मैं इन्वेस्ट करें तो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स माने जाएंगे, लेकिन एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ऐसे ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, लेकिन अगर वो फॉरेन है या फिर दूसरे कंट्रीज से इन्वेस्ट करेगी तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माने जाते हैं. वही अगर हम इंडिया से ही ये कंपनी है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DII माना जाता है. सो अभी ये FII का ग्राफ ये देख सकते हो कि 2012 से 2023 तक उन्होंने कितना शेयर्स बेचे और कितने खरीदे. ये ग्रीन कलर जो है वो खरीदना का है और वो रेड कलर है जो बेचा है. सो इस ग्राफ से दिखता है कि करीबन 3 साल से जो ग्राफ जो सेल्स का है ये FII जो बहुत ज़्यादा शेयर्स बेच रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये जो भी क्राइसिस चल रहा है US में इकोनॉमिक क्राइसिस इन्फ्लेशन बैंकिंग क्राइसिस इन सब ग्लोबल सिचुएशन एंड ग्लोबल फैक्टर्स के वजूद क्या रीज़न हो सकती है, ये क्या कॉज हो सकता है कि ये FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप उनके शेयर्स को क्यों बेच रहे हैं जो जिनका एवेल्यूएशन करोड़ों में है. ठीक है, आप देख सकते हैं 2022 में 2 लाख से ऊपर करोड़ बेचे गए थे, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये क्योंकि इंडिया का एज इन ये पूरा हमारे भारत का कंट्री का रेशियो पीई रेशियो ज़्यादा है, एज इन उनका वैल्यूएशन हम ओवर वैल्यूड है. सो अगर आप देख सकते हो इस लिस्ट में तकरीबन 30 या 35 कंट्रीज का नाम दिया हुआ है और उस एक एक कंट्री का पीई रेशियो अगर आप देख सकते हो इन 3-4 एरोज में, पहला ब्राज़ील का रेशियो सिर्फ 4.3 है, साउथ कोरिया का 6.73. यानी अगर आप ब्राज़ील साउथ कोरिया या फिर ब्राज़ील में एक FII कंपनी से है और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका पैसा लॉजिकली अगर ब्राज़ील में इन्वेस्ट करोगे तो 4 सालों में आपको वापस आएगा और साउथ कोरिया में तो 6 सालों में. लेकिन वही केस अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 23 ईयर्स लगेंगे. सो ये भी एक कारण है, सिर्फ ये ग्लोबल क्राइसिस इकोनॉमिक डिप्रेशन ये सारे क्राइसिस जो फैक्टर्स ज़रूर है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो FII आप इस डिसीजन से आप वो चुनते हैं कि नहीं मैं इस इंडिया मार्केट से निकाल के मे बी ब्राज़ील में या फिर साउथ कोरिया में डालूंगा क्योंकि मुझे इससे प्रॉफिट जल्दी मिलेगी और पैसे ज़्यादा मिलेंगे. सो इस सिंपल फैक्टर्स से आप देख सकते हो कि FII ज़्यादा बेचा जा रहा है. जैसे मैंने बोला था इंडिया का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, जो यानी पीई रेशियो ज़्यादा है और वैल्यूएशन भी ज़्यादा है. अभी कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से अभी निकल के हम फिर से इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अगर EPS कांस्टेंट रहा तो PE रेशियो से बेस करके रिलेटिव टू द मार्केट एंड उस कंपनी का इंडस्ट्री सेक्टर से आप डिसीजन या फिर आप चुन सकते हो या फिर सोच सकते हो कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ. लेकिन ये एक बिगिनर इन्वेस्टर का बिगिनर्स मिस्टेक है
कि सिर्फ पी रेशियो पे रिलाई होना और मैं और बोलना कि मैं सिर्फ पी रेशियो मैंने क्या गलत किया है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, या फिर मुझे ये मुझे यू नो गैरूर लाइक मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे मेरे पैसे इन सालों में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ईपीएस हालात में हम अज्यूम कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो बदलते रहते हैं और इस तरह से ईपीएस भी फ्लक्चुएट होता रहता है और बढ़ता भी है. सो जब ईपीएस बढ़ता है तो पीई रेशियो कम होता है. यानी अगर आप अगर आप देखो अभी shouldn't it be a factor? So, इसलिए ये ग्रोथ फैक्टर जो है उसको भी एक कंसिडर करना है जब आप पीई रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हो. सो हम फिर से वही जिंदल स्टील का अगर एग्जाम्पल ले तो जिंदल स्टील का सितंबर के क्वार्टर में ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर सितंबर 2022 में 1.96 था, यानी बहुत कम. लेकिन अगर आपने इस रिसेशन से आपने देखा और सोचा कि नहीं, अगर ये ना ईपीएस कम है और मेरा ये दिखता है कि मेरा पीई रेशियो बहुत बढ़ गया तो मे बी दिस इज अ बैड चॉइस. लेकिन अगर आप इसी लेकिन उसी साल में यानी 2022 में सितंबर अक्टूबर नवंबर तीन महीने बाद उस क्वार्टर के एंड में दिसंबर में जिंदल स्टील का ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर 5 रुपये हो गया. सो ये दिखता है कि ऑलमोस्ट 5 times डबल हुआ, 5 times मल्टीप्लाई हो गया. सो ऑब्वियसली पीई रेशियो कम हो गया. सो ये ट्रेंड डिफरेंट क्वार्टर्स में फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हमको सिखाता है कि पीई रेशियो के साथ हमको ईपीएस का ग्रोथ भी मेजर करना चाहिए. सो जब हम ईपीएस का ग्रोथ रेट मेजर करके पी को कैलकुलेट करते हैं तो उसका पीईजी रेशियो यानी प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो कहा जाता है. सो पीईजी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल, जो आपने पी कैलकुलेट किया है पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ परसेंटेज. सो फॉर एग्जांपल अगर जिंदल स्टील का परसेंट है परसेंटेज ग्रोथ अर्निंग्स परसेंटेज 30 या फिर 40 है तो आप उसी से डिवाइड करोगे और एक नंबर फॉर एग्जांपल 5/20 या 200 डिपेंडिंग वो परसेंटेज आप डिवाइड करके आपको जो वैल्यू मिलेगा वो पेग रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो कहा जाता है. और ये हमने सीखा है कि जब पी कम है तो ये एक अच्छा चॉइस है, यानी लो पी इज अ गुड चॉइस. सिमिलरली जब पी ई जी रेशियो 1 से 1 से कम होता है तो ये माना जाता है कि ये एक अच्छा चॉइस है और ये स्कोप ऑफ ग्रोथ दिखा रहा है. अभी आप सेंसेक्स के हिस्ट्री में अगर देखो तो इंडिया का सेंसेक्स जैसे 2014 से लेके 15 के अबव ही रहा है. अभी आप देखोगे तो करंटली ब्राज़ील या साउथ कोरिया सिर्फ उस 15 से कम है, लेकिन इंडिया इवन 2014 से जब वो क्राइसिस का सिलसिला नहीं था तभी बहुत ज़्यादा था. और ये फ्लक्चुएट होता रहा है और ये रेशियो ग्रो ही हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2020 में वो कोविड के टाइम पे एक स्टीप डाउनफॉल हुआ था, लेकिन फिर से आप जैसे देखते 2022 में ये पिकअप होके अभी 23 पे है. सो ये बोलता है कि ये हमें बोलता हम ये सीख सकते हैं इससे कि इंडिया का मार्केट अगर ज़्यादा रेशियो पी रेशियो ज़्यादा है तो मार्केट टॉलरेट कर सकती है, लेकिन यानी ये इसका जो फ्लक्चुएशन है वो बेयर कर सकती है. और अगर पी रेशियो ज़्यादा है तो भी आपसे मार्केट से होप है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होंगे क्योंकि इसका पी रेशियो ज़्यादा है, बट इवन ग्रोथ रेट ज़्यादा है. आप जैसे देखते हो कि आप देख रहे हो कि यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और हाइक बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने हाल ही में डिस्कस किया था हमारे मार्केट अपडेट्स में कि मार्च में इंडिया ने इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाया, उसी रेट पे कांस्टेंट रखा है. जहाँ कि इन यूएस एक बड़ा सुपर पावर को इन्फ्लेशन रेट फिर हाइक करता जाना पड़ा. सो ये दिखता है कि इंडिया का ईपी रेशियो ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ भी ज़्यादा है.
और हम जानेंगे अभी थोड़े ट्रेंड्स के बारे में इंडिया में. सो FMCG यानी अगेन जैसे मैंने बोला था इस टाइप ऑफ स्टॉक्स रिलेटिवली हाई है, यानी कंपैरेटिवली से ऑटोमोटिव्स या फिर इलेक्ट्रिक या फिर सोलार से कंपेयर्ड FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का स्टॉक जनरली एक हाई अच्छा नंबर हाई रहता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो या फिर जो भी हो, आप कोलगेट या फिर डे टू डे सामान कंज्यूमर गुड्स को आप खरीदने से मना नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये एवरीडे आपके आपके जीवन को के लिए ये ज़रूरी है यार, कोलगेट वाटर जो भी है. सो इसका इन जनरल हर वक्त हाई रहता है और ये सेक्टर मोर और लेस कभी भी कंसिस्टेंट बिजनेस ग्रोथ दिखाता है. इसका ज़्यादा फ्लक्चुएट ऊपर या नीचे नहीं होता. आप ये नहीं कर सकते कि स्टील फॉर एग्जांपल स्टील का मैन्युफैक्चर अगर मार्केट कम है या फिर रिसेशन चल रहा है कंट्री में, तो ये एग्जांपल तो ये मामूली सी बात है कि आप एक कार नहीं खरीदेंगे जब रिसेशन चल रहा है, या फिर क्योंकि आपके सेविंग्स करना है, आपको डे टू डे एक्सपेंसेस देखना है. लेकिन ज़रूर आप कोलगेट टूथपेस्ट या शैम्पू ये सब चीज़ें ज़रूर खरीदोगे. सो उस एक रिसेशन के टाइम पे स्टील मार्केट का जो है वो दाम कम वो शेयर वैल्यू कम हो सकता है, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे क्योंकि ऑटोमोटिव्स का स्टील मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है. लेकिन ऑन द अदर हैंड शैम्पूज या फिर डे टू डे सामान ये FMCG स्टॉक्स और FMCG प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं नो मैटर व्हाट. इन मोस्ट केसेस इनका भी होता है फ्लक्चुएशन, लेकिन ये जनरल सी ऑब्जर्वेशन है कि ये कंसिस्टेंट रहते हैं और ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता इनके दाम में. IT सेक्टर अभी हाल ही में PE रेशियो जनरली 30 है, लेकिन अभी 20 को आ गई है. क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ इन सो फार थोड़ा एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है, और फिर ग्लोबल टेक स्पेंडिंग जो है, यानी जो अभी आप देख रहे हो कि बहुत ले ऑफ्स हुई है गूगल IT लाइक मेटा हर जगह. सो आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट पे या फिर टेक्नोलॉजी ग्रो करने के लिए स्पेंड नहीं कर रही है, लेकिन उनके स्पेंडिंग को कम कर रही है. सो इन थोड़े कारणों से 30 से इसका रेशियो 20 को आ गया है. लेकिन कंपनीज इन स्टील सेक्टर इन जनरल ये स्टील सेक्टर की जो है वो दस से कम ही रहती है, क्योंकि स्टील प्राइसेस साइक्लिकल रहती है और कभी कभी ये ग्लोबल ट्रेंड्स में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उससे वो वल्नरेबल या फ्लक्चुएट हो जाती है और उसको बहुत जोर तरीके से इफेक्ट भी होती है. और ये कौन से फैक्टर्स है या फिर कारण है जो PE को ड्राइव करते हैं या फिर ये PE को इम्पैक्ट करती है. सो इनकम स्टेटमेंट्स कैन हैव वन टाइम गेन्स एंड अदर इनकम. सो अभी जो एक कंपनी का इनकम स्टेटमेंट जो है वो कभी कभी एक बड़ा प्रॉफिट या फिर एक बड़ा होके प्रॉफिट आ सकता है जो सडनली अर्निंग्स बढ़ाता है, और ऑब्वियसली उससे अर्निंग्स पर शेयर बढ़ते हैं और डायरेक्टली PE कम होता है. ये एक फैक्टर है. और कभी कभी ये हो सकता है कि कंपनीज अपने अकाउंटिंग मेथड या फिर जिस मेथड से वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस या एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं या फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं या फिर रेवेन्यू दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, इन थोड़े डिस्क्रिपेंसी से यानी ये अनएथिकल भी हो सकते हैं इन कभी कभी कंपनीज अगर ये मार्ग चुने तो हम एक इन्वेस्टर से हमको दिख रहा होगा कि रेशियो कम है क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है या फिर मार्केट प्राइस ज़्यादा ज़्यादा है. लेकिन इन रियलिटी कंपनी को पता है कि एक्चुअल हाल ही में उनका क्या है, उनका वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि वो मे बी फॉर देयर ओन सेफ्टी उन कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो दिखा रहे हैं कि वैल्यूएशन. इसका एक मेजर एग्जांपल सत्यम कंप्यूटर हो सकता है, जिसका मेजर फ्रॉड जो हुआ भी था कि वो अकाउंट्स में दिखा रहा था कि उनके FDs के वैल्यूएशन करोड़ों में थे ताकि उनके
जब सची में उनको उन्हें उनके पास एफडी का वैल्यूएशन था ही नहीं. सो इन फैक्टर्स से आप कभी कभी पीई रेशियो को ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करती है उन्हें, वो कभी कभी सच या गलत भी हो सकती है. अभी ऑपरेटिंग मार्जिन भी यही एक ये एक और फैक्टर है जो पीई रेशियो को डिटरमाइन करता है. यानी जो एवरीडे कॉस्ट होते हैं कंपनी को ये ऑपरेट करने के लिए, मैनेजिंग प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दी, ये सारे कॉस्ट आपको ये डिटरमाइन करते हैं कि पी क्या है. और कभी कभी ये ऑपरेटिंग के लिए ये जो कंपनीज एक्सपेंड करती है, सो ये कैपिटलाइज भी करती है कि हमने ये किया है फिर, और ये एक्सपेंस की वजह से पी रेशियो ज़्यादा बढ़ भी जाता है. कभी कभी ये भी हो सकता है कि एसेट्स जो है वो उनके वैल्यूएशन से नहीं लेकिन थोड़ा कम वैल्यूएशन में दिखाया जा सकता है, या फिर एक्सपेंस कम दिखाया जा सकता है जो जैसे हमने दिखाया था. सो ये फैक्टर्स जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये हमको एक्सेप्ट करना है कि ये फैक्टर्स भी पी रेशियो को डिटरमाइन करते हैं. अभी ऑलमोस्ट ये हमने अभी तक सीखा है पी रेशियो क्या है, पी जी रेशियो क्या है, एक कंट्री का रेशियो कैसे अफेक्ट करता है, और एक कंपनी एक रेशियो को कैसे किस फैक्टर से एक कंपनी का पीवी रेशियो दिखता है. लेकिन हम दो और लास्ट में सीखेंगे, यानी एक ट्रेलिंग पी और एक फॉरवर्ड पी. ट्रेलिंग पी यानी एक कंपनी के पास्ट अर्निंग्स, यानी अगर हम 2023 में हैं, सो अगर हम कंपनी जिंदल स्टील ले, उनके 5 साल की प्रीवियस अर्निंग्स को भी कैलकुलेट करके हर साल का पास्ट के फिगर्स का मार्केट प्राइस और अर्निंग्स पर शेयर लेके कैलकुलेट किया गया, तो उसको ट्रेलिंग पीई कहा जाता है. लेकिन फॉरवर्ड पी अभी 2023 में है, अगर हम 2024 या 2025 का भी हम एस्टिमेट करके उस मार्केट प्राइस का को डिवाइड करेंगे अर्निंग्स अज्यूम्ड अर्निंग्स पर शेयर को, तो वो फॉरवर्ड पीई होगा. सो हाल ही में अगर आप और मैं डिसाइड करना चाहते हैं कि अगर ये एक अच्छा स्टॉक है कि नहीं, तो आप फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करोगे. ये ट्रेलिंग पीई आपको आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहा है, अगर ये प्रॉफिट्स अच्छा है या फ्लक्चुएट होता है या कॉन्स्टेंट है या कंसिस्टेंट है. अभी इन फैक्टर्स को आप देख के अभी फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करके आप सोच सकते हैं कि अगर ये स्टॉक से मैं चुनूं या ना चुनूं. सो हम देख सकते हो ट्रेलिंग पी जनरली एक कंपनी के इवैल्यूएशन के लिए है, या फिर उसके लाइक अगर मैं कंपनी की एक मेंबर हूँ तो मैं अपने कंपनी की वैल्यूएशन ढूंढने के लिए भी ट्रेलिंग पी दिखाऊंगी, कैलकुलेट करूंगी. लेकिन आइडियली अगर हम और मैं हम सब इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है, हमको फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करके देखना होगा. और दूसरा, तीसरा और फाइनल पी है एडजस्टेड पी. कभी कभी कंपनी का एक इनकम स्टेटमेंट सडन से एक एक्सपेंस, वन टाइम चार्ज, यानी एक बड़ी एक्सपेंस से हो सकता है. अभी वन बिग एग्जांपल इज ले ऑफ्स. अभी ले ऑफ एक्सपेंस कैसे हुआ, फिर फॉर एग्जांपल फेसबुक ने 30,000 पीपल को ले ऑफ किया है, लेकिन ये इंस्टेंटली ले ऑफ नहीं कर सकते, उनको सेवरेंस सैलरी देना पड़ता है, क्योंकि उनको विदाउट नोटिस ये ले ऑफ हुआ तो उनको एक मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, या फिर ये बहुत सारे एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो वन टाइम की है, ये हर महीने या फिर रिकरिंग नहीं है जो रिपीट होती है, लेकिन ये वन टाइम है. और ये वन टाइम बड़ा एक्सपेंस है जो ओवरऑल जब पीएनएल स्टेटमेंट में कंपनी एक उनकी उसकी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी तो ये बिग एक्सपेंस अफेक्ट करेगा, और इससे पीई कम या ज़्यादा हो सकता है. अब सो जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, सो आप सिर्फ ये करंट मार्केट प्राइस और ये अर्निंग्स पर शेयर से नहीं, बट इस बड़े फैक्टर को, यानी ले ऑफ को या फिर कुछ भी ये वन टाइम चार्ज को भी ध्यान में रख के कैलकुलेट किए, क्योंकि ये आपको रियलिटी का वैल्यूएशन देगी. सो ईपीएस इनएक्यूरेट तब होगा जब आप ये फैक्टर्स को नहीं ले. सो हम ये आपको बोलना चाहते हैं कि जो ये प्रोसेस सिंपल है, ये नंबर्स सिंपल आपको लगेगा, लेकिन ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो है आप ना भूलें. अभी इन कंक्लूजन हमने सीखा है कि ये रेशियोज़, ये अलग अलग के रेशियोज़ जो
जिसको ग्रोथ फैक्टर इन होता है, एडजस्टेड पी, फॉरवर्ड पी, ये सब आपको एक स्टॉक का वैल्यूएशन बोलती है या सिखाती है। अभी ये वैल्यूएशंस को आपको देख के, सोच के, जाग पर के देख समझना है कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ। लेकिन ये सिर्फ ये एक ही रेशियो आपको डिटरमाइन, आपको आप ये सिर्फ आपका डिसीजन सिर्फ एक रेशियो से नहीं, लेकिन दूसरे अदर फैक्टर से भी बेसिस होना चाहिए। ये हमारा एक डिस्क्लेमर है कि आप सिर्फ एक रेशियो से आपका डिसीजन ना ले, या एक्सपर्ट्स यानी विटे से, या फिर जो भी है आपका, जो आपका रिसर्च किए और एक एक्सपर्ट एडवाइस भी लेके आपका चॉइसेस करे। सो हम मैं समझती हूँ कि आपने ये जो सीखा है आज वैल्यूएशन के बारे में, वो आपको बेनिफिट होगा। और आप अगली बार जब एक स्टॉक चुनोगे इन्वेस्ट करने पे, या फिर इधर फर्स्ट, वो पहली बार हो सकता है या फिर दूसरी बार, मैं आशा करती हूँ कि आप ये रेशियोज को ध्यान में रख के एक सोची समझी चॉइस ले जो आपको हेल्प किए। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक और टुगेदर वी लर्न के सेशन पे। प्लीज़ अब हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये नोटिफिकेशंस आते रहे जब भी हम लोग इस सेशंस को अपलोड या लाइव ले इस तरह। और आपको अगर किसी भी टॉपिक या फिर आपको कुछ नया टॉपिक सीखना है, तो ज़रूर आप कमेंट्स में डालिए। अगर कुछ डाउट्स है तो भी आप कमेंट्स में डालिए और हम ज़रूर उनको क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।